भाई जी खाना बढ़िया बनाओ, हमको दो रहा है। इसी के तहत आपसे बात करने है। अब बात यह है कि आप लोग किसी भी निसंकोच भावना से, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अब मैं आपसे प्रधान कोई बात कर रहा है। वोट डालते हैं प्रधान, एक डालते हैं उप प्रधान का। प्रधान का जो पद होता है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे आपके विकास कार्य हो, इन सब को जो मॉनिटरिंग करते हैं पूरे नवलगढ़ क्षेत्र की ग्रामीण व्यवस्थाओं को, उसका नाम है पंचायत समिति। और ये है पंच ने अगर वार्ड का सगला लोग सम्मान दे ला गया ना कि पंच साहब के योजना रही है, पंच साहब क्या हो रहा है, तो पंच साहब की ये जागृति फैलेगी, तो वो हर मीटिंग के अंदर शरीक होंगे और हमारे जो ग्राम सेवक हैं उनको भी वो मीटिंग के अंदर पूछेंगे, बोल भैया कुछ योजना। आज ग्राम पंचायत बिरोल के अंदर प्रधान से लेकर पंच के द्वारा अभियान के तहत हम लोग पहुंचे, वहाँ पे सभी स्कूटी को पूछने मिले और आज देख के बड़ी खुशी हुई कि बिरोल ग्राम पंचायत के अंदर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसका जो माहौल है उसको देख के ऐसे लगता है जैसे कि आप प्राइवेट स्कूल में पहुँच गए हो, बहुत अच्छी स्कूल में, मतलब झूले हैं बच्चों के लिए सारी सुविधाएं और बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल देख के बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं तो उनके पूरे अध्यापकगण और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे वहाँ पिछली बार बच्ची ने हमसे रिजल्ट भी लें और आशा करता हूँ इस बार हमारे नवलगढ़ में सरकारी स्कूलों में पक्की मेरिट आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारे शिक्षक इसी तरह मेहनत कर रहे हैं, उस तरह जो लगातार लगे रहेंगे तो 100% हम मेरिट छूलेंगे। गाँव में रोड गाँव के अंदर पानी की नालियों की समस्या थी, उनका मौका मुआयना किया, मौके पर देख के उनकी समस्याएं, वहाँ पे कुछ लोगों का अतिक्रमण था, उनसे रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया। और बड़ी खुशी होती है जब गांव में, जैसे हम लोग हाथ जोड़ के लोगों से निवेदन करते हैं तो लोग हमारी अपील को स्वीकार करते हैं, और मैं तो ग्रामीणों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे नवलगढ़ की ग्रामीण क्षेत्र की जनता जितने प्यार से मेरी अपील को मान रही है, लोग तो ऐसे राजनीतिक का रूप कहते हैं, राजनीति करता है बदनाम, भाई राजनीति से जुड़े हैं, राजनीति के लिए सेवा में है, हर आदमी किसी न किसी सेक्टर से सेवा में आता है, मैं राजनीति से हूँ तो उस तरह से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन लोग जितनी बातें हमारी सुन के और तुरंत ये स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है प्रधान जी आप आगे तो आपकी बात नहीं करें, ये अपने आप में मेरे को बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मैं कि नवलगढ़ पंचायत समिति का प्रधान बनने का जो मौका मिला है और जिस तरह लोग मेरी बात मान रहे हैं मुझे अच्छा लगता है। जैसे बिजली की बात की थी, PhD की समस्या थी, वो संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया, अधिकारियों ने तुरंत आश्वासन दिया। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि नवलगढ़ ब्लॉक के समस्त अधिकारी, उनकी मानसिकता ये है कि वो चाहते हैं कि किस तरह हम जनता की सेवा कर सकें और जनप्रतिनिधियों को कोऑपरेट कर सकें, तो मेरे सारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा साहब 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, मतलब कई लोगों ने कहा साहब पंचों को ने कि साहब आज तक किसी ने हमारे पंचों को पूछा ही नहीं, आज आप इस तरह सम्मान दे रहे हैं तो अपने आप में एक अनोखा है। पोषाहार बनाती महिलाएं जो 1200-1300 रुपए के अंदर, आज भारत में मैं तो कहता हूँ कि इतने कम रुपए में सरकार के लिए अगर कोई काम कर रहा है ना, तो
पर ये महिलाएं काम कर रही हैं, उनकी जो सोच और जो भावना है, जिस भावना से वो लोग एक माँ जैसे बेटे को, एक स्कूल में मैं आज गया था तो वहाँ पे बच्चे, मैं पोसार में भी खाया था, मैंने चखा, तो वहाँ पे बच्चे कह रहे थे दादी दो रोटी और देना, दादी मैंने सब्जी खा, मतलब इतना आँख में प्रेम, वो इतनी भावना से खाना बनाते हैं, घर में भी आपको ऐसा खाना नहीं मिलता जो हमारे स्कूलों में मिल रहा है। तो इससे जो सरकार की मंशा है राज्य सरकार की कि भाई हर बच्चे को पौष्टिक आहार मिले, पौष्टिक दूध मिले, बच्चा संतुष्ट मतलब तंदुरुस्त रहे, और ये इस तंदुरुस्ती से हमारे क्षेत्र के अंदर किसी भी बच्चे में कुपोषण का शिकार नहीं हो, भुखमरी से नहीं हो।